हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी के चैप्टर नंबर 5, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स। उसमें से मेन पॉइंट आएगा एडल्ट्रेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। एडल्ट्रेशन का इंट्रोडक्शन हमने पहले वाली वीडियो में दे दिया था, और फिर इसके बाद देखेंगे एडल्ट्रेशन का मेथड होता है और किस मेथड से ड्रग्स का एडल्ट्रेट होता है, ड्रग्स कैसे मिक्सिंग होता है ओरिजिनल ड्रग्स के साथ, जो इसके सिमिलर ड्रग्स होते हैं जो आर्टिफिशियली कन्वर्ट होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, उसके मेथड क्या क्या है, कैसे ड्रग्स मिक्सिंग किया जाता है। इसके भी 7 पॉइंट है, एक बार फिर से देख लेते हैं। एडल्ट्रेशन का इंट्रोडक्शन। एडल्ट्रेशन एक प्रैक्टिस होता है जो ओरिजिनल क्रूड ड्रग्स के साथ हम मिलाते हैं उसके जो सिमिलर मतलब उसके के जो सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस है जो उसके ये तरह उसके जो सिमिलर हो उससे मिलाया जाता है, और कितना उसे पूरा मिलाते हैं या आधा। तो एडल्ट्रेशन के 2 कारण होते हैं, स्कार्सिटी और हाई प्राइस ऑफ द ड्रग्स, मतलब ड्रग्स की कमी हो जाती है मार्केट में, या फिर ड्रग्स की प्राइस जो होता है बढ़ जाती है। फिर उसमें से एडल्ट्रेशन होते हैं इन्फीरियोरिटी, स्पॉइलेज, एडमिक्सर, सब्स्टिट्यूट्स, ये सब पॉइंट है इंट्रोडक्शन में, फिर उसको डिफाइन किया गया है और नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज हम देखेंगे मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स जो एडल्ट्रेट होते हैं उसके क्या क्या मेथड्स हैं। सबसे पहले तो मेन पॉइंट है सब्स्टिट्यूशन विथ सब स्टैंडर्ड कॉमर्शियल वेराइटीज। सब्स्टिट्यूटिंग मतलब रिप्लेसमेंट। और सब स्टैंडर्ड कॉमर्शियल मतलब जो ड्रग्स है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और वैरायटीज मतलब जैसे वैरायटीज का मतलब यहाँ पे बिजनेस है। सब्स्टिट्यूशन विथ एडल्ट सब स्टैंडर्ड कॉमर्शियल वैरायटीज द एडल्ट्रेटेड used here many resembles original crude drugs by morphological, chemical or therapeutic characters but are substandard in nature and cheaper in cost. This is the most common practice of adulteration. तो ये adulteration used हुआ है उसकी जो resembles मतलब जो उससे similar drugs के साथ है मिलावट किया गया है, मतलब मिक्सिंग किया गया है, जिससे उसका एक ओरिजिनल ड्रग्स है एक आर्टिफिशियल ड्रग्स है। अगर वो आर्टिफिशियल ड्रग्स ओरिजिनल क्रूड ड्रग्स के जैसा दिखेगा, मतलब उसकी सिमिलर लुकिंग दिखने में वैसे हो, उसे मॉर्फोलॉजिकल केमिकल थेरेपिटिक, वो मॉर्फोलॉजिकल मतलब देखने में सेम हो इसका केमिकल और उसका जो थेरेपिटिक है, थेरेपिटिक मतलब जो उसका आराम जो दवा खाने पर, फिर जो ड्रग्स हम यूज करते हो अगर खाने पर उसका थेरेपिटिकनेस वो सेम हो, मतलब उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट सेम रहेगा और उसका करेक्टर्स वो कैसा रहेगा, वो सब स्टैंडर्ड नेचर रहेगा और चीपर इन कॉस्ट। यह एडल्ट्रेशन तो बहुत ही कॉमन होता है, जैसे नक्स एग्जांपल्स से नेक्स वर्म का आर स्ट्रिचनस नेक्स वर्म का आर एडल्ट्रेटेड विद द स्ट्रिचनस नेक्स वर्म का, जैसे सेनाइज एडल्ट्रेटेड विद अरेबियन डॉक्सना। सेना और अरेबियन डॉग सेना में क्या डिफरेंट है, जो सेना जो वो ओरिजिनल सेना होता है वो बहुत छोटा रहता है, और जो अरेबियन डॉग सेना जो अपने डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं वो आर्टिफिशियल है, क्योंकि जो ओरिजिनल सेना रहता है उसका लंबाई बहुत छोटा रहता है, अरेबियन डॉग सेना तो थोड़ा भारी में रहता है, मतलब उसका लंबाई ज़्यादा रहता है। अब इसके बाद देखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग ऑफ एक्सोट ड्रग्स। सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्सोटेड ड्रग्स, एक्सोटेड ड्रग्स मतलब जो थका हुआ ड्रग्स, उसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो थक चुका है, वो ज़्यादा काम नहीं करेगा, थके हुए ड्रग्स मतलब जो पुराने ड्रग्स हो गए हैं। द ड्रग्स आर एक्सोटेड फॉर दियर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। ड्रग्स जो एक्सॉटेड हुआ है मतलब जो ड्रग्स थक चुका है उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो अंदर का ड्रग्स का मेडिकामेंट होता है, जैसे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं
आर रियूज मतलब दोबारा जेन्युइन ड्रग्स मतलब सच्चे ड्रग्स के साथ है, दिस प्रैक्टिस इज कॉमन केस ऑफ वोलाटाइल ऑयल्स। यह प्रैक्टिस होता है मोर कॉमन होता है, बहुत ही कॉमन होता है। से एग्जांपल्स फेनल, कोरिएंडर और कारावे, डिल और क्लोव। ये सब क्या है? वोलाटाइल ऑयल। वोलाटाइल ऑयल क्या होते हैं? ऐसे ऑयल जो रूम टेम्परेचर पर इवापोरेट हो जाते हैं, मतलब उड़ जाते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग ऑफ एक्सोट ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स जो उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, एक्सोटेड हो गया है, मतलब खराब हो चुका है, और रियूज जेन्युइन ड्रग्स, और सच्चा मतलब जो सच्चा वो जेन्युइन ड्रग्स के मतलब जो सच्चा ड्रग्स हो उसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो खराब नहीं हुआ है, एक्सोटेड नहीं हुआ है, उसके साथ हम मिला के उसे दोबारा यूज कर सकते हैं। यह प्रैक्टिस होता है बहुत ही कॉमन है, जैसे वोलाटाइल ऑयल के साथ होता है, जैसे फेनल, कोरिएंडर, कॉरा वे, डिल और क्लोव। ये सब क्या है? ऑयल है। और कौन सा ऑयल है? जो वोलाटाइल ऑयल जो रूम टेम्परेचर पर इवापोरेट हो जाता है। अब थर्ड पॉइंट, सब्स्टिट्यूटिंग विथ आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चरिंग सब्सटेंस। सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ आर्टिफिशियली, जो आर्टिफिशियली बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर में बनाना ऑफ सब्सटेंट, ऐसा सब्सटेंस जो ओरिजिनल क्रूड ड्रग्स के जैसा दिखे और उसे हम आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब बनाते हैं। इन दिस टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेशन, इस टाइप्स के एडल्ट्रेशन सब्सटेंस में जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड बनाया जाता है, विच रिसेंबल्स ओरिजिनल क्रूड ड्रग्स। ओरिजिनल क्रूड ड्रग्स किस है? ये जैसे दिखता है, इज यूज फॉर मच कॉस्टली ड्रग्स। और यह ड्रग्स होता है यूज होता है बहुत ही कॉस्टली, मतलब बहुत ही महंगा ड्रग्स है, मतलब आर्टिफिशियल एनवर्ट शुगर मिक्सड विथ हनी, मतलब शुगर है वो आर्टिफिशियल बनाया जाता है, वो मिक्स किया जाता है किसके साथ? हनी के साथ। इस टाइप से के एडल्ट्रेशन सब्सटेंस होता है आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है, जैसे रिसेंबल्स होता है उसके सिमिलर ओरिजिनल क्रूड ड्रग्स के साथ दिखता है, और वह ड्रग्स बहुत ही कॉस्टलियर है। जैसे आर्टिफिशियली शुगर को हम इन्वर्ट कर देंगे किसमें? हनी में। प्रेजेंस ऑफ वेजिटेटिव मैटर्स फ्रॉम द सेम प्लांट, इस टाइप से के एडल्ट्रेशन में जो अदर पार्टी के सेम प्लांट जो ग्रोविंग होते हैं मेडिसिनल प्लांट में, उसे मिक्स्ड करते हैं ओरिजिनल क्रूड ड्रग्स के साथ, ऐसे उसका ऑर्डर, उसका कलर और इसका स्मेल और उसके अंदर का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सेम रहेगा, तो ओरिजिनल क्रूड ड्रग के साथ मिक्स होता है। जैसे क्लो आर मिक्स्ड विथ द क्लो स्टाल का, जो क्लो लेते हैं, जो क्लो का ऊपर का जो बड रहता है वो यूज़ में आता है, बाकी उसका स्टाल का जो है वो ज़्यादा यूज़ में नहीं आता। इसके लिए अगर जब मार्केट में क्लो लेते हैं तो उसका ऊपर का बड जो उसका फ्लावर या फिर बड है उसे निकाल के नहीं देते, वो डायरेक्ट क्लो ही देते हैं। जैसे क्लो को मिक्स किया जाता है उसके डंडी से। इस टाइप से के एडल्ट्रेशन में अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो तो ग्रोविंग होते हैं मेडिसिनल प्लांट से, उसे मिक्स किया जाता है तो ओरिजिनल क्रूड ड्रग से क्या, जैसे उसका कलर सेम हो, उसका ऑर्डर सेम, ऑर्डर मतलब खुशबू सेम हो, और सम केसेस में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब उसका जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो। फिर एडिंग ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स, एडिंग ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स है। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो सिंथेटिक केमिकल्स को ऐड करके बनाए जाते हैं। इन दिस टाइप्स ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स है, इस टाइप से के सिंथेटिक केमिकल्स विथ कॉन्स्टिट्यूएंट, वन ऑफ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आर द ड्रग्स आर एडेड टू द जेन्युइन ड्रग्स। इस टाइप से के केमिकल सिंथेटिक ड्रग्स में जो केमिकली प्रिपेयर किया जाता है और ओरिजिनल क्रूड ड्रग्स के जो थे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ उसे ऐड कर देते हैं,
और किसके साथ ऐड करेंगे, जो जेन्युइन ड्रग्स है, जेन्युइन ड्रग्स मतलब जो सच्चा ड्रग्स है, जो अच्छा ड्रग्स है उसके साथ है मिक्स करते हैं, जैसे बेंजाइल बेंजोएट ऑफ बालसम पेरू। इसके बाद है हार्मफुल एडल्ट्रेशन। हार्मफुल एडल्ट्रेशन मतलब बहुत ही खतरनाक तरीके से एडल्ट्रेशन करते हैं, मतलब मिक्सिंग करते हैं ड्रग्स के साथ। अतः सेवरल टाइप्स वेस्टेज द मार्केट आर कलेक्टेड एंड एड मिक्स विद द ड्रग्स इन अतः दिस द एब्जॉर्ब इन द केस ऑफ द अनऑर्गेनाइज ड्रग्स। अनऑर्गेनाइज ड्रग्स जिसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उसे बोलते हैं अनऑर्गेनाइज ड्रग्स, और ऑर्गेनाइज ड्रग्स क्या है जिसे हम देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइज ड्रग्स, और अनऑर्गेनाइज ड्रग्स के पास कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये क्या हो गया हमारा अनऑर्गेनाइज ड्रग्स। एग्जाम में ऑर्गेनाइज ड्रग्स और अनऑर्गेनाइज ड्रग्स के बारे में पूछता है ऑलमोस्ट 2 मार्क्स के लिए, इम्पोर्टेंट है। अनऑर्गेनाइज ड्रग्स क्या होते हैं जिसे हम देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब हार्मफुल एडल्ट्रेशन क्या होता है, जो सभी प्रकार के वेस्टेज मटेरियल्स होता है मार्केट में जो अवेलेबल रहता है उसे कलेक्ट करके उसे एडमिक्स मतलब मिक्स कर देते हैं किसके साथ, ड्रग्स के साथ। जैसे अनऑर्गेनाइज ड्रग्स मतलब अनऑर्गेनाइज ड्रग्स कैसा होता है, जैसे हम ले लेते जैसे एक नीम का पत्ता लेते हैं, फिर कोई भी पत्ता ले लेते हैं, लीव्स ले लेते हैं, अगर उसे हम देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो वो हो गया हमारा और ऑर्गेनाइज ड्रग्स, और जिसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उसे बोलते हैं अनऑर्गेनाइज ड्रग्स। अगर डिफरेंट पार्ट्स के लीव्स को हम ले लेते हैं फिर उसे मिक्स करके और उसे अगर पीस देंगे उसका क्या बना देंगे, जूस मतलब लिक्विड फॉर्म में उसे बना देंगे, तो उसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हाँ वो किस चीज़ का जूस है, उसके अंदर जो लीव्स है वो कौन सा लीव्स है, जिसे हम देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उसे बोलते हैं अनऑर्गेनाइज ड्रग्स। ऐसे फॉर एग्जांपल्स उसका एग्जांपल्स है द पीसेस ऑफ अंबर कलर्ड ग्लास इन अ कॉलोफोनिक लाइम स्टोन ऑफ द एसाफोटिडा। जैसे हमारा कॉलोफोनी और लाइम स्टोन एसाफोटिडा, एसाफोटिडा का जो पाउडर मिलता है उसमें लाइम स्टोन और कॉलोफोनी और इसके बाद अंबर कलर्ड जो है ग्लास उसे पीस के पाउडर फॉर्म में बना के उसमें मिक्स कर देते हैं जिसे हम देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। फिर इसके बाद एडल्ट्रेशन ऑफ पाउडर मतलब पाउडर वाले ड्रग्स में एडल्ट्रेशन कैसे होता है। इन सम केस द पाउडर फॉर्म ऑफ द ड्रग्स आर फ्रिक्वेंटली फाउंड टू बी एडल्ट्रेटेड। एडल्ट्रेशन इज पाउडर इन सम केसेस, इस केस में जो पाउडर फॉर्म के ड्रग्स होते हैं वो फ्रिक्वेंटली फाउंड पाया जाता है एडल्ट्रेटेड, मतलब मिक्सिंग हुआ फ्रिक्वेंटली मतलब आसानी से मिल जाता है, जैसे एक्सोटेड जिंजर पाउडर इन अ पाउडर ऑफ जिंजर कैप्सिकम इन रेड सैंडल फूड।